हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर किया करें, जिससे कि मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का। तो आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ के पोइट्री की 8th पोयम माई हेवन नामक इस पोयम के हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे, तो जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, पोयम का नाम है माई मतलब मेरा, हेवन माने स्वर्ग, माई हेवन यानी मेरा स्वर्ग, जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इस पूरी पोयम में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने स्वप्न के भारत देश के बारे में बताया है कि उनके स्वप्न का भारत देश कैसा होना चाहिए। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए फिलहाल इसके हिंदी अर्थ को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको जो लिखा है इनका एक एक करके हिंदी अर्थ बताऊंगा, फिर मैं आपको वह बताऊंगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो आपके पोयम की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, वेयर मतलब जहाँ, द माइंड मतलब मस्तिष्क, एज माने होता हो, विदाउट मतलब बगैर, फियर मतलब भय या डर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मस्तिष्क भय मुक्त होता हो, एंड और द हेड यानी सिर, इज माने होता हो, हेल्ड पकड़ा होना, हाई मतलब ऊंचा, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जहां सिर हमेशा ऊंचा होता होता हो। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां मस्तिष्क भय मुक्त होता हो और सिर हमेशा शान से ऊंचा होता होता हो। तो अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर जी इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि जहाँ लोग भय मुक्त रहते हों और उनका सिर हमेशा शांत से या गर्व से ऊंचा उठा होता हो। आगे है फ्रेंड्स, वेयर मतलब जहाँ, नॉलेज मतलब ज्ञान, एज माने होता हो, फ्री माने स्वतंत्र। यहाँ फ्रेंड्स, जो फ्री नहीं है कि आप सोच रहे हो कि जो शिक्षा है वह फ्री में प्रदान हो, इसका मतलब है कि शिक्षा पर कोई प्रतिबंध ना होता हो। पहले केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा मिलती थी। तो वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान पर कोई रोक टोक ना होती हो। आगे है वेयर मतलब जहाँ, द वर्ल्ड मतलब यह संसार। तो फ्रेंड्स, यह संसार नहीं बल्कि मानव समाज कहेंगे। हैज नॉट बीन ना हो, ब्रोकन अप टूटा हुआ, ब्रोकन अप मतलब टूटा हुआ, इन टू माने में फ्रेगमेंट्स टुकड़े टुकड़े, बाई नैरो सकरे अर्थात कम चौड़े, डोमेस्टिक घरेलू वॉल्स मतलब दीवारें। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वह कहना चाहते हैं कि जो भारत देश है वह छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे धर्म, रंग, भाषा और धर्म के आधार पर ना बटे होते हों। तो पूरा फ्रेंड्स, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहां यह मानव समाज धर्म, जाति, भाषा, रंग के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में ना विभाजित होता हो। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं और वे कहते हैं कि मेरा भारत देश ऐसा होना चाहिए जहाँ पर लोग धर्म, जाति, रंग और भाषा के आधार पर इन छोटे छोटे वर्गों में ना विभाजित होते हों। तो फ्रेंड्स, एक बार रिवाइज कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहाँ मस्तिष्क भय मुक्त होता हो और सिर हमेशा शान से ऊंचा उठा होता हो। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि जहाँ लोग भय मुक्त रहते हों और उनका सिर हमेशा सम्मान से ऊंचा उठा होता हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ शिक्षा स्वतंत्र हो, अर्थात जहाँ पर शिक्षा पर कोई रोक टोक या प्रतिबंध ना होता हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, और जहाँ यह संसार छोटी छोटी दीवारों के टुकड़ों में ना विभाजित होता हो। अर्थात जहाँ पर यह भारत देश या यह मानव समाज जाति, धर्म, रंग, भाषा के आधार पर छोटे छोटे वर्गों में ना विभाजित होता हो। तो फ्रेंड्स, आगे है वेयर मतलब जहाँ, वर्ड्स मतलब शब्द, कम मतलब आते हों, आउट मतलब बाहर, फ्रॉम माने से, द डेप्थ गहराई, ऑफ मतलब की, ट्रुथ मतलब सच्चाई। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से बाहर आते हों,
यानी कि जहाँ पर शब्द सत्य की गहराई से बाहर आते हों। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहना चाहते हैं कि मेरे देश यानी जिस देश के लोग अर्थात भारत देश के लोग हमेशा सत्य ही बोलते हों। तो वैसे तो यह है फ्रेंड्स कि वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से बाहर आते हों, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहना चाहते हैं कि जिस देश के लोग हमेशा सच बोलते हों। आगे है वेयर मतलब जहाँ टायरलेस लगातार रूप से या बिना थके हुए या फिर अथक रूप से स्टर्विंग प्रयासरत हों, स्ट्रेचेज फैलाए हुए, इट्स माने अपनी, आर्म्स माने भुजाओं को, टुवार्ड्स माने की ओर, परफेक्शन पूर्णतया, परफेक्शन माने होता है फ्रेंड्स पूर्णतया, स्ट्रेचेज माने होता है फैलाना, स्टर्विंग माने प्रयास करना और टायरलेस माने बिना थके हुए या लगातार रूप से या अथक रूप से। वेयर टायरलेस स्टर्विंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवार्ड्स परफेक्शन, जहाँ अपने बुझाओं को पूर्णतया की ओर अथक रूप से प्राप्त करने का प्रयास रत होते हों। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहना चाहते हैं कि मेरे देश के लोग हमेशा पूर्णता को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयासरत होते हों। तो फ्रेंड्स एक बार मैं पुनर्वाच कर देता हूँ, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से बाहर आते हों, वेयर टायरलेस स्टर्विंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवार्ड्स परफेक्शन, जहाँ अपने बुझाओं को पूर्णतया की ओर हमेशा लगातार रूप से प्राप्त करने के लिए फैलाए होते हों। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर जी दोनों लाइनों में कहना चाहते हैं कि जिस देश के लोग हमेशा सच बोलते हों और वे हमेशा पूर्णता को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयासरत हों। आगे है वेयर मतलब जहाँ, द क्लियर मतलब स्वच्छ या साफ, स्ट्रीम जलधारा, ऑफ माने की, रीजन तर्क शक्ति या तर्क वितर्क, हैज नॉट ना हो, लॉस्ट खोए हुए, इट्स माने अपने, वे माने मार्ग को। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ तर्क करने की स्वच्छ जलधारा अपने मार्ग को ना खो चुकी हो। एन टू माने में, द डियरी, डियरी माने होता है रेत या आप कह सकते हो सुमसान, डियरी माने सुमसान, डेजर्ट माने रेगिस्तान, सैंड माने बालू, ऑफ माने का, डेड माने मरे हुए, हैबिट माने आदत है। डेड हैबिट अर्थात फ्रेंड्स उसका मतलब है कि हमारी प्राचीन परंपराएं, अर्थात जो प्राचीन परंपराएं हैं उनमें जो क्रूतियां हैं उनकी बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कही है। तो देखिए फ्रेंड्स, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इन टू द डियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहाँ तर्क करने की स्वच्छ जलधारा अपने मार्ग को प्राचीन परंपराओं की क्रूतियों में, क्रूतियों के सुमसान रेगिस्तान के बालू में ना खोती हों। अर्थात उनका कहने का मतलब है कि लोग प्राचीन परंपराओं में ज़्यादा विश्वास ना करके आधुनिक परंपराओं के बारे में सोचें। आगे है वेयर मतलब जहाँ, द माइंड मतलब मस्तिष्क, इज माने इज लेड, ले जाता हो फॉरवर्ड आगे की ओर, बाय दी, बाय मतलब के द्वारा, दी माने यहाँ फ्रेंड्स परमपिता परमेश्वर के लिए यूज किया गया है अर्थात उनकी कृपया के द्वारा, इनटू माने मैं, एवर माने सदैव, वाइडरनिंग विस्तृत रूप से, वाइडरिंग वैसे वाइड माने चौड़ा होता है उसी से बना है तो वाइडरिंग माने विस्तृत रूप से, थॉट माने विचारों को, एंड और एक्शन मतलब कार्यों को। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडरनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ मस्तिष्क ईश्वर की कृपया के द्वारा हमेशा विस्तृत विचारों को और कार्यों को आगे की ओर बढ़ाता हो। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना है कि जिस देश में मस्तिष्क को ईश्वर की कृपया के द्वारा हमेशा विस्तृत विचारों और कार्यों को आगे की ओर ले जाता हो। आगे फ्रेंड्स, इन टू माने में, दैट माने उस, हेवन माने स्वर्ग, ऑफ माने के, फ्रीडम माने स्वतंत्रता, इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के ऐसे स्वर्ग में माई फादर, मेरे पिता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी ईश्वर के लिए कहा गया है कि मेरे ईश्वर, लेट माने दो, माई कंट्री मेरे देश को, अवेक माने जगा,
माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे देश को जगा दो। तो फ्रेंड्स पूरा है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, यानी कि जहां मस्तिष्क ईश्वर की कृपा के द्वारा हमेशा विस्तृत विचारों और कार्यों को आगे की ओर ले जाता हो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, हे मेरे परमेश्वर या मेरे भगवान, स्वतंत्रता के ऐसे स्वर्ग में मेरे देश को जगा दो। और फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।